आज हम लोग 11F एक्सरसाइज 11F बीकॉम पार्ट वन मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, चेयर है, कॉस्ट दिया हुआ है 15 चेयर का 50 दाम, तो 90 चेयर का कितना दाम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर टू पे देखिए, क्वेश्चन तुम बोल रहा है 120 आदमी पे 180 हबल है, तो 90 आदमी पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर तीन, गाइस ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, 80 गर्ल 24 दिन रुकती है, तो 15 दिन में कितनी गर्ल, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर चार में देखिए, गाइस यहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है वेट का, वह देखिए हम वेट का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 160 अमाउंट दिया, तो 7 का स्क्वायर कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में 8 मैन बराबर 16 बॉयज, तो 4 मैन बराबर हम कितना बॉयज निकाल लेंगे, 8, तो 4 मैन बराबर 8 बॉयज और 18 बॉयज 7 में है, तो 18 प्लस 8 26, तो गाइस 26 बॉय हम निकाल लिए, तो 16 बॉय एक काम को इतना दिन में करता है, तो 26 बॉय एक काम कितना निकलेगा। आई होप ये आप समझ चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले आगे वाला एक्सरसाइज ई में बता चुका है, वीडियो जाके देखिए। अगर 16 बॉय को इतना दिन लगता है तो ज़्यादा बॉय है तो कम दिन लगेगा, कम का उल्टा ज़्यादा, तो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, कम वाला ऊपर होगा, ऊंचाई है और काट कूट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर फोकस कीजिए जल्दी जल्दी, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, 4500 इनकम है, तो इतना एनुअल इनकम है, इनकम टैक्स 4500 देना पड़ता है, इतना इनकम है, तो इतना रुपये टैक्स कितना एनुअल इनकम में देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सात नंबर फोकस कीजिए, सात नंबर पर देख सकते हैं, 2000 कॉपी इतना पेज 80 रिम लगता है, तो 5000 इतना पेज, 2000 कॉपी पर 80 रिम लगता है, तो 5000 पे ज़्यादा रिम लेगा, ज़्यादा का उल्टा कम, 2000 कम है नीचे आ जाएगा, इतना पेज 80 रिम लगता है, तो इतना पेज में ज़्यादा रिम लगेगा, ज़्यादा का उल्टा कम, 320 नीचे आ जाएगा, और 80 कट कुट करके 220। आठ नंबर क्वेश्चन में गाइस क्या करेंगे, तीन मैन दो बॉय है, तो एक हम मान लेंगे दो लड़का मिला के एक आदमी बनेगा, तो 3 × 1 = 4 आदमी यहाँ हो गया, और यहाँ पर दो आदमी है, 5 का आधा कर देंगे 2.5, तो 4.5 आदमी, वही काम यहाँ गाइस किया है, 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करता है, तो 4.5 आदमी एक काम कितना में करेगा, काट कूट कीजिएगा आप, तो आपका आंसर 5.3 दे आएगा।